हेलो एवरीवन एंड आई आप सभी बहुत अच्छे होंगे आई विश स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी सो यू नो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बिहार बिहार एस्टेट एस्टेट इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स फ़ाइन आर्ट्स से रिलेटेड एम क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से आप अटेंड कीजिए आफ्टर एंड ऑफ दी क्लास मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं आपको पता है बिहार में टू एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट का एक पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड पेपर फर्स्ट में हंड्रेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइन आर्ट्स एंड देन सेकेंड पेपर यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एंड आल्सो लॉजिकल रीजनिंग इन्वामेंटल साइंस एक्सेट्रा तो आप इनको देख लें अच्छे से अगर आप बिहार इस्टेट का फॉर्म फ़िल किए हैं बिहार इस्टेट का अगर आपने फॉर्म फ़िल किया तो आप मुझसे क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं ओके बैच न्यू स्टार्ट होने वाला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा एग्ज़ाम की डेट रही थी एलेवन नाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स टाइम भी मैंशन किया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है टेन ए एम मॉर्निंग में एग्जाम हुआ था ट्वेल्व थर्टी दैट मीन्स टू वन एंड हाफ ढाई घंटे के एग्जाम थे सब्जेक्ट कोड वन फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ स्क्रीन कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है मल्टी टाइम्स मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर किए हैं सर्वप्रथम ऋग्वेद में और अगर कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है नाट्य शास्त्र ठीक है नाट्यशास्त्र किसका है भरत मुनि ओके फर्स्ट सेंचुरी बीसी नाट्य नाट्यशास्त्र भरत मुनि की है ललित कला में कितनी कलाएं होती हैं हाउ मेनी टाइप्स इंक्लूडेड इन फाइन आर्ट्स फाइन आर्ट इज इंक्लूडेड ओनली फाइव विच वन पेंटिंग स्कल्पचर आर्किटेक्चर जिनको आप बोलते हैं वास्तुकला उसके बाद हो जाएगा म्यूज़िक एंड पोएट्री म्यूज़िक एंड पोएट्री ठीक है इतने होते हैं चित्रकला मूर्तिकला स्थापत्य कला संगीत और काव्य जिनमें से संगीत और काव्य को श्रव्य कला में रखा जाता है चित्रकला मूर्तिकला और स्थापत्य कला को दृश्य कला में रखा जाता है जिसे बोलते हैं विजुअलाइजेशन पावर विजुअल आर्ट ओके तो ललित कला के दायरे में पांच पार्ट्स आते हैं कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्ट आर्ट इज़ ओनली इंक्लूडेड इन द टूर पार्ट्स सपोज़ करें ये आपका आर्ट है तो आर्ट के जो डायरेक्शन होते हैं पार्ट इनके दो होते हैं कौन कौन से एक होता है ललित कला जिनमें अभी आपने पढ़ा है इनके पांच प्रकार होते हैं ललित कला इंग्लिश में इनको बोला जाता है फाइन आर्ट्स इंग्लिश भी याद रखिएगा इंग्लिश में इनको फाइन आर्ट्स कहते हैं दूसरा है उपयोगी कला उपयोगी कला इनको इंग्लिश में कहते हैं यूजफुल आर्ट और यहीं पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पाणिनी ने किस किस नेम से डिटरमाइन किया है पाणिनी ने फाइन आर्ट्स को ललित कला को बोले हैं चारु और उपयोगी कला को उन्होंने काम से डिटरमाइन किया है कारु पाणिनी थे कौन संस्कृत व्याकरण के जनक थे ओके इन्होंने कला को दो भागों में बांटा है कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की ललित कला एंड उपयोगी कला। सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट प्राथमिक रंग कितने होते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी कलर्स प्राथमिक रंग कितने होते हैं प्राइमरी कलर्स आर इंक्लूडेड जस्ट ओनली थ्री विच वन पेंटिंग सॉरी प्राइमरी कलर जो है वो रेड है ब्लू है और येलो जब आप इनको सेकेंडरी ट्रैंगल्स बनाएंगे रेड और ब्लू को मिक्स करने पे कौन सा कलर्स बनेगा वॉलेट जिनको पर्पल कहते हैं ब्लू में जब आप येलो मिक्स करोगे देन ग्रीन कलर्स निकल कर आएंगे और रेड में येलो मिक्स करने पर ऑरेंज कलर तो आपके ये जो मैंने बनाए वॉलेट बैगनी ग्रीन हरा ऑरेंज नारंगी ये आपके सेकेंडरी कलर दैट मीन द्वितीयक एक प्राथमिक और एक प्राथमिक वन प्राइमरी एंड वन प्राइमरी मिक्स टू मेक सेकेंडरी कलर्स एंड द नेक्स्ट वन वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी मिक्स टू मेक टर्सरी कलर विच वन लाइक आप जब वॉलेट में बैगनी में लाल मिलाएंगे तो रेडिश पर्पल कलर बनेगा बैगनी में नीला मतलब ब्लू में जब आप वॉलेट कलर्स मिलाएंगे तो आपका ब्लूइश पर्पल कलर बन जाएगा ब्लू में जब आप ग्रीन मिक्स करोगे तो ब्लूइश ग्रीन कलर बनेंगे येलो में जब आप ग्रीन मिक्स करेंगे तो येलोइश ग्रीन कलर बन जाएगा येलो में आप ऑरेंज मिक्स करेंगे तो येलोइश ऑरेंज कलर बन जाएगा जब आप ऑरेंज में रेड मिक्स करेंगे तो रेडिश ऑरेंज बनेगा तो ये टोटल कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स थ्री प्राइमरी कलर्स होते हैं प्लस थ्री सेकेंडरी कलर्स होते हैं प्लस सिक्स आपके टर्शरी कलर्स होते हैं जिनको तृतीय रंग कहा जाता है यहीं पे मैं क्लेरिफाई कर देती हूँ विरोधी अपोजिट कलर रेड के सामने ग्रीन है ना तो लाल का विरोधी हरा हो गया ऑरेंज के सामने ब्लू है मतलब नारंगी का विरोधी नीला येलो के सामने वॉयलेट है पर्पल तो बैगनी का विरोधी पीला हो गया ठीक है और एक समीपर्ती रंग पूछा जाता है तो समीपर्ती जैसे रेड हो गया रेडिश पर्पल हो गया और वॉलेट ये समीपर्ती कहे जाएंगे मतलब एक प्राथमिक एक प्राइमरी होगा और उनके मिलाने से ये दो अलग अलग कलर्स एक रेडिश ऑरेंज रेड और ऑरेंज ये आपका फैमिलियर कलर हो गया येलोइश ग्रीन येलो एंड ग्रीन ये भी फैमिलियर क्योंकि ये तीनों का एक दूसरे से मेल खा रहा है ऑरेंज सॉरी ब्लू नीला रंग नीला ब्लूइश पर्पल और ब्लूइश ग्रीन ये तीनों भी फैमिलियर कलर्स तो इस तरह से ये एक दूसरे से जो मैच खा रहे हैं वो फैमिलियर कलर्स हो जाते हैं तेल रंग में किसका यूज़ किया जाता है तो मोस्टली जो ऑयल कलर्स होते हैं उसमें आप लिंसिड ऑयल का यूज़ करेंगे ना लिंसिड ऑयल अब ऑप्शन में लिंसिड ऑयल तो है नहीं इनको हिंदी में कहते हैं अलसी का तेल तो ऑप्शन में बिल्कुल है अलसी का तेल अब क्या, क्या क्या यूज़ करते हैं इस तरह के दो बाउल होते हैं जिनको डिपर कहा जाता है इन डिपर का यूज़ कहाँ होता है ऑयल कलर में इस तरह के पैलेट होते हैं ठीक यहाँ पे डिपर को कंबाइन कर दिया जाता है और ब्रशेस कौन से होते हैं तो ब्रशेस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हॉग हेयर ब्रश का यूज़ किया जाता है और प्रोसेस कैसा होता है डार्क टू लाइट गाढ़े से हल्के की तरफ कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं विदाउट हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट्स आप पेंटिंग्स नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होते कितने हैं? फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट जिनके टू पार्ट्स हो जाते हैं विच वन एक होता है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट दूसरा होता है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट प्रिंसिपल ऑफ आर्ट को बोलते हैं संयोजन के सिद्धांत संयोजन के सिद्धांत और एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जिनको कहा जाता है तत्वों के सिद्धांत तो तत्वों के सिद्धांत कौन से होते हैं लाइन कलर्स टेक्सचर शेप स्पेस एंड फॉर्म ये तो होते हैं अब प्रिंसिपल ऑफ आर्ट संयोजन के सिद्धांत यूनिटी हार्मनी बैलेंस एम्फेसिस रिद्म एंड प्रपोशन ओके जिनको सहयोग सामंजस्य संतुलन प्रभाविता प्रमाण लय और प्रमाण कहा जाता है अब क्या रोल है आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ सकते हैं बताइए तत्वों के सिद्धांत कौन से हैं उसमें दे देगा सहयोग सामंजस्य संतुलन और एक रेखा तो आपको रेखा सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा तत्व जिसके अभाव में पेंटिंग्स करना पॉसिबल नहीं है तो विदाउट हेल्प दिस पॉइंट्स पेंटिंग्स आप नहीं कर सकते हो तो जब आपके पास लाइंस नहीं होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे वैसे तो यहाँ धरातल करा देना चाहिए था क्योंकि सरफेस और स्पेस अलग अलग होता है एक होता है सरफेस दूसरा होता है स्पेस स्पेस को हिंदी में कहते हैं एरिया क्षेत्र जो कलाकार का छात्र क्षेत्र होता है और सरफेस बोलते हैं धरातल को बट यहाँ पे एग्जामिनर ने ए को करेक्ट मानना है ठीक है क्यों माना है इसका बहुत बड़ा रीज़न है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा तत्व है जिसके अभाव में पेंटिंग्स करना संभव नहीं है विदाउट हेल्प द लाइन्स पेंटिंग इज नॉट कंप्लीटेड राइट चित्र में आयाम को दर्शाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक पेंटिंग्स आप बना रहे हो सपोज करें आप प्यारी सी पेंटिंग्स आप बना रहे हैं अब उस पेंटिंग्स में जब तक मैं लाइट एंड शेड को कैप्चर नहीं करूँगी जिसको छाया और प्रकाश कहते हैं तब तक वो आपकी पेंटिंग्स कैसे लगेगी थ्री डिमेंशनल नहीं लगेगी तो एक पेंटिंग्स को थ्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे मेन पर्पज़ होता है लाइट एंड शेड का चित्रों में आयाम आयाम का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल जब भी आप थ्री डायमेंशनल किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड शेड उनको कैप्चर करना होगा राइट देखिये नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति मैं आपको यहाँ पर क्लेरिफाई कर देती हूँ यूपी में 2016 2016 में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में कि नंदी की मूर्ति कहाँ से मिली तो वो खजुराहो में बट यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि सबसे बड़ी मूर्ति सबसे बड़ी मूर्ति नंदी की आंध्र प्रदेश से मिली है राइट ध्यान रखिएगा यूपी पीजीटी का ये क्वेश्चन है यूपी पीजीटी 2016 दो हज़ार सोलह में पूछा गया था कि नंदी की मूर्ति कहाँ से मिली तो खजुराहों को सही कराया गया था बट एग्जैक्ट पूछा जा रहा है कि नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ से मिली तो वो मिली है आंध्र प्रदेश से कला में कितने आयाम होते हैं कला में कितने आयाम होते हैं बेसिकली स्कल्पचर्स जो होते हैं वो थ्री डायमेंशनल होते हैं थ्री डायमेंशनल क्यों होते हैं क्योंकि आप चारों तरफ से इनको विजिट करके देख सकते हो थ्री डी ओके okay? मूर्ति सांचा में क्या प्रयुक्त होता है जो स्कल्पचर्स होते हैं उनके लिए आप सांचा तैयार करोगे विद द हेल्प ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस प्लास्टर से साँचा तैयार करके फिर इन्हीं प्लास्टर ऑफ पैरिस में होल डिजाइनिंग्स बनी होती हैं उनमें आपको ब्रॉन्ज में क्ले में वैक्स में जैसे भी मोल्ड करना हो आप मोल्ड कर सकते हैं निम्न में से कौन सी कला चाचूस सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चाचूस कहते किसको हैं तो ये विजुअलाइजेशन पावर को कहते हैं विजुअलाइजेशन क्या होता है जो आप अपने आँखों से देख सकते हैं तो विजुअलाइजेशन पावर आपका यहाँ पेंटिंग भी आँखों से आप पेंटिंग्स को भी देख सकते हो स्कल्पचर्स को भी और आर्किटेक्चर ऑल ऑफ दिन इनमें से सभी को करेक्ट करना होगा क्योंकि चित्रकला वास्तुकला और शिल्पकला कला तीनों ही करेक्ट है खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों के द्वारा बनवाए गए थे चतुर्भुज स्कल्पचर्स चतुर्भुज जो है ये चंदेल शासकों के टाइम का है खजुराहों का अगर आपसे एग्जामिनर टाइम पूछ लें तो आपको याद रखना है 950 से लेकर 1050 हज़ार ईस्वी तक का टाइम में ध्यान रखिएगा इसी तरह से एग्जामिनर ने पूछे थे ईस्वी होगा ये ईसा पूर्व तो करेक्ट आंसर है ईस्वी ओके बराबर की गुफाएं किस जिले में स्टाबल हैं स्थित है बराबर की गुफाएं तो देखिए पहले तो गया में था नियर अबाउट गया से कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस बट अभी जहानाबाद सेलेक्ट कराया जाएगा बराबर की गुफा ये किस काल की हैं तो आपने काल पढ़ा है ये काल की हैं काल में जो बराबर की गुफा है ये टोटल चार हैं आई थिंक आपको याद भी होगा वो चार कौन कौन सी हैं पहली हो जाएंगी सुदामा दूसरी है कड़ चौपड़ कड़ चौपड़ और तीसरी है विश्व झोपड़ी विश्व झोपड़ी और अगर एग्जामिनर ने आपसे सबसे नवीन पूछ लिया तो उसका नाम है लोमस ऋषि लोमस ऋषि राइट सुदामा कड़ चौपड़ विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि टोटल नंबर ऑफ केव्स फोर हैं चार सुदामा सबसे प्राचीन कही जाती हैं और लोमस ऋषि जो है ये सबसे नवीन गुफा है बराबर की ये चार गुफाएं हैं बराबर है का तो बराबर की पहाड़ी पर ये चार गुफाएं स्थित है, है। मौर्य काल की हैं मूर्ति कला की मुख्य टेक्निक्स कौन सी थी स्कल्पचर्स जो होते हैं उनकी मेन टेक्निक्स नक्काशी आप कर सकते हो उनको कंपोस्ट कर सकते हो ये करेक्ट है मॉडलिंग भी कर सकते हो कास्टिंग भी ये भी करेक्ट है राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दी बहुत करेक्ट देखिए मॉडलिंग आप किससे कर सकते हैं लाइक क्ले से कर सकते हैं कास्टिंग असेंबलाज ये सब पार्ट किसका है एक होता है सब्सट्रैक्टिव, दूसरा होता है एडिटिव अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है सब्सट्रैक्टिव जो है ये वैंकल्पनात्मक है एडिटिव जो है ये योग्यात्मक है सब्स्टिव इसके अंतर्गत रखा जाता है कार्विंग को कार्विंग को आप पता है एक बड़ा सा पत्थर ले करके इसमें जो भी आपको शेप्स देने होंगे जैसे भी डिजाइनिंग्स बनानी होंगी आप बनाने के बाद अननेसेसरी के पार्ट्स को रिमूव कर देंगे जो बैकग्राउंड्स वगैरह है तो आपकी मूर्ति तैयार हो जाएगी यहाँ पर कुछ आप जोड़ते नहीं है रिमूव करते हैं इसलिए इनको कार्विंग कहा जाता है और एडिटिव के अंतर्गत तीन प्रोसेस होता है कौन कौन सा एक तो आपका मॉडलिंग हो गया दूसरा आपका कास्टिंग हो गया और तीसरा आपका पर क्या करना होता है एक जीरो से एक जीरो से एक शून्य से चीजों को जोड़ जोड़ के पूरी स्कल्पचर्स को तैयार की जाती हैं आई थिंक अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ना सब्सटेक्टिव मतलब व्यंकल्पनात्मक एडिटिव मीन योग्यात्मक हिंदी में इनको कहते हैं एडिटिव का मतलब हुआ ऐड करना तो बस आप इससे भी याद कर सकते हैं इनमें से कौन सी बिहार की लोक कला है टिकुली लोक कला बिल्कुल है मंजूसा लोक कला ये भी कही जाएंगी मधुबनी लोक कला सो बोथ ऑल ऑफ दी करेक्ट स्टेटमेंट सभी सही है आपको पता है मंजूसा लोक कला में इनमें कलर्स यूज़ किए जाते हैं पीला हरा और गुलाबी जब एग्जामिनर आपको ऑप्शन में गुलाबी ना दें तो आप रेड भी कर सकते हो बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी पिंक भीम बेटका की गुफाएं कहाँ पर स्टेबल है भीम बेटका की गुफाएं एमपी मध्य प्रदेश में है अब्दुल्ला स्टेशन के पास भीम बेटका की पहाड़ी पर 2003 में इनको यूनेस्को में सम्मिलित किया गया उन्नीस में उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वी एस वाकड़ करने खोज किए थे राइट वी एस वाकड़ करने कौन है ये उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है भीमबेटका की पहाड़ी पर स्टेबल टोटल सिक्स हंड्रेड केव्स हैं टू सेवेंटी फाइव यहाँ पर पे पेंटिंग्स मिली हुई हैं पेंटिंग्स को टू पार्ट्स में दो स्तर में डिवाइडेशन भी मिलता है आदिम कला का मेन सब्जेक्ट्स मैटर क्या है आदिम कला जिनको प्रिमेटिव आर्ट कहते हैं आपको पता है, है प्रिमेटिव आर्ट मतलब शिकार के दृश्य चित्र तो मिले हैं बट वहाँ पे राधा कृष्ण का कोई रोल नहीं था और पशुओं के विभिन्न अवस्थाओं को भी चर्चित किया गया था ए एंड सी बहुत करेक्ट आदिम कला सर्वप्रथम कहाँ पर पाई जाती हैं अल्तामीरा लेस्को, लैस कम्बरेली या फिर कौन दा, दाम तो ये सभी गुफाएं है जो हैं लेस्को गुफा है लेस कम्बरेली फॉन्दाम यूरोप की और अल्तामीरा भी ये स्पेन की हैं 1879 में मारिया सांतोला ने इसकी खोज की है निम्न में से कौन सा क्राफ्ट की श्रेडी में नहीं आता है कौन सा क्राफ्ट की श्रेणी में नहीं आता है आर्ट एंड क्राफ्ट सॉरी आता है तो आर्ट एंड क्राफ्ट में इंक्लूडेड आपका हो जाएगा सिक्की और पेपर मशी अब पेपर मशी क्या होता है तो ये एक अंडे की कैरेट या फिर कोई कागज़ को आप एक बकेट में डाल के पानी में डाल के अच्छे से भिगो दीजिए एक दिन छोड़ दीजिए एकदम सॉफ्ट हो जाएगा फिर इसको अच्छे से मैस करके बाहर निकालिए फिर इसमें मिक्स कीजिए चॉक पाउडर चौक पाउडर मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी जो है वो चिकनाहट देता है और सरेस सरेस क्या होता है जिसको बबुल का गोंद कहते हैं इन सभी को अच्छे से मिक्स करके आटे की तरह गूंथना होता है तो पेपर मैशी बिल्कुल रेडी होकर आ जाती हैं फिर आप जिस भी तरह से इस पेपर मैशी से इस को बना सकते हैं ओके आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई थी आपको पता है आदिम कला दैट मीन्स प्रिमेटिव आर्ट तो आपको खुद भी पता होगा कि जो प्रिमिटिव आर्ट है आदिम कला व स्टार्टिंग टाइम ड्यूरेशन में भित्ति चित्र तो जोगी महाराज से शुरुआत हुई थी ठीक है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहा जाता है कि शुरुआत में भित्ति चित्र बनाए गए थे नकल अभिनय का भी रोल था और मूर्तियां तो यहाँ पर डी आंसर को करेक्ट माना गया है इनमें से सभी नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है भरत मुनि ओके okay? भरत मुनि इज द फाउंडर ऑफ नाट्य शास्त्र फर्स्ट सेंचुरी बीसी का कहा गया मंजूषा कला में सामान्यतः कौन से कलर्स को यूज़ किए जाते थे मंजूषा कला में तो मंजूषा कला में पिंक किया जाता है तो गुलाबी ऑप्शन में नहीं है तो रेड येलो एंड ग्रीन को करेक्ट कराया जाएगा मंजूषा कला कहाँ की लोक कला है याद रखिएगा ये बिहार की लोक कला है रस कितने प्रकार के होते हैं रस होते तो नौ प्रकार के होते हैं जैसे नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने आठ आठ रसों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिए हैं और जो नवा रस है ये है शांत रस। शांत रस की खोज किए थे अभिनव गुप्त ने अभिनव गुप्त ने शांतरस विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसका जिक्र मिलता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कंपनी शैली का संबंध किससे रहा था कंपनी शैली इज द पार्ट ऑफ पटना कलम वर्ली आर्ट कहाँ की है महाराष्ट्र की ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में इस तरह के वर्ली आर्ट किए जाते हैं जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है और मिथिला कला कहाँ की है तो ये है बिहार की मंजूसा कला ऑल्सो इंक्लूडेड इन बिहार छापा कला क्या होता है वट इज़ प्रिंट मेकिंग प्रिंट मेकिंग इज द पार्ट ऑफ प्रॉपरली प्रिंट मेकिंग तो यहाँ ऑप्शन में न तो स्कल्पचर्स जाएंगे ना ही आर्किटेक्चर ना ही डांसिंग राइट आंसर इज डी देखिए प्रिंट मेकिंग में एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि इनके कितने पार्ट्स होते हैं तो दे आर जस्ट ओनली फोर पार्ट्स एक होता है रिलीफ दूसरा इंटैग्लियो तीसरा है प्लानोग्राफी और चौथा आपका हो जाएगा सैरीग्राफी अब क्या फर्क है तो रिलीफ के अंतर्गत आते हैं तीन प्रोसेस लिनो कट वुड कट स्क्रैपर बोर्ड ये ऊपर की ओर इनको इंग्रेव किया जाता है और इन के अंतर्गत आ जाते हैं सेवन प्रोसेस प्लेटिंग रेविंग ड्राई पॉइंट एचिंग एक्वाटेंट मेजोटेंट और विस्कोसिटी इनमें क्या करते हैं अंदर की ओर इंक फिल करते हैं सुन के एरिया में प्लेनोग्राफी के अंतर्गत दो हो जाता है एक होता है लिथोग्राफी दूसरा ओलियोग्राफी और सैरीग्राफी ऑल्सो कॉल्ड सिल्क स्क्रीन तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ये प्रिंट मेकिंग छापा कला के चार मैंने आपको ब्रीफली बता दिए कि अगर आपको कुछ भी बिल्कुल ब्लैंक है प्रिंट मेकिंग के बारे में नहीं पता है तो ये चीजें तो आपको मोस्टली पता ही होनी चाहिए डेफिनेटली से अगर आप फाइन आर्ट्स के टीचर बनने जा रहे हो तो ओके okay? नृत्य करती हुई लड़की धातु में निर्मित की गई नृत्य करती हुई जो लड़की इनको डांसिंग गर्ल कहा जाता है ये इंदस वैली सिविलाइजेशन के मोहन जोदड़ो से प्राप्त है मोहन जो इनका से इनका साइज़ एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं तो ये ब्रॉन्ज में बनाई गई हैं और इनमें त्रिभंगी भंगी मुद्रा दिखाया गया है त्रिभंगी भंगी मुद्रा इसका साइज़ है टेन पॉइंट फाइव इंटू फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव वॉश चित्र पद्धति के जन्मदाता कौन कहे जाएंगे फाउंडर ऑफ द वॉश टेक्निक वॉश टेक्निक वाटर कलर से की जाती हैं राइट right? फाउंडर अवनी टैगोर हैं बंगाल स्कूल के ये फाउंडर कहे जाते हैं अठारह से लेकर 1920 तक का बंगाल स्कूल का टाइम है अगर अवनी टैगोर का पूछा जाए तो ये अठारह सौ टीचर बने थे और प्रिंसिपल बने थे 1905 में इसलिए 1905 से 1915 तक का टाइम गोल्डन एज कहा जाता है इन्होंने 1902 सौ ईस्वी में ताइकॉन हिसिंदा से वॉश टेक्निक सीखे थे और बाकी जो ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं नंदलाल बसु अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं नंदलाल बसु के स्टूडेंट राम किंकर बैज हैं और अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट ये हैं नंदलाल बोस और क्षित नजुमदार और राम किंकर बैज नंदलाल बोस के स्टूडेंट हैं टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन तो ऑफकोर्स आपको याद ही रखना है एग्जाम में पूछे जाते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था 1954 में ठीक इंडियन स्कल्पचर्स एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है इंडियन स्कल्पचर्स एंड आइकोनोग्राफी स्थापति वी गणपति गणपति व स्थापति जहांगीर आर्ट गैलरी कह लें या फिर जहांगीर निकोलस आर्ट गैलरी ये सेम नेम है मुंबई में स्थित है प्रसिद्ध कलाकृति हंगरी गॉड हंगरियन गॉड करके आपने बहुत बार इंस्टॉलेशन पढ़ रखा है ये सुबोध गुप्ता ने बनाए हैं और मोस्टली सुबोध गुप्ता काम किससे करते थे यूटेंसिल्स से और ये कौन है भारत के फेमस इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है ठीक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट इनमें से कौन से कला समीक्षक हैं विच वन इज़ आर्ट क्रिटिक इन दिज ऑप्शंस आपको प्रयाग शुक्ल भी दिखेंगे विनोद भारद्वाज भी दिखेंगे और सुमन सिंह तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी एब सही हो जाएगा इनमें से सभी सभी रंग प्रसंग प्रयाग शुक्ल का याद होगा अशोक भौमिक का भी बहुत सारे बुक्स हैं इन लोगों के बिहार म्यूज़ियम का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था बिहार म्यूज़ियम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है टू थाउजेंड में राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली का इस्टैब्लिशमेंट कब हुआ राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1954 में इसके फर्स्ट अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट डी रॉय चौधरी थे और एग्जामिनर अगर आपसे पूछ लें नेशनल नृत्य कला अकेडमी का स्टेब्लिशमेंट उद्घाटन मुल्क राज आनंद जवाहर कला केंद्र का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर हुआ था जवाहर कला केंद्र जयपुर में है जवाहर कला केंद्र उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान कहाँ पर स्थित है उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान इज लोकेटेड इन पटना इनमें से किसका संबंध आर्ट एंड क्राफ्ट से है आर्ट एंड क्राफ्ट से देखिए पूछे जा रहे है ना तो दिल्ली हाट चांदनी चौक लादला लाजपत नगर ये फिर सरोजनी मार्केट आर्ट एंड के जो मटेरियल फिर संबंध कहा जाएगा दिल्ली हाट ठीक है दिल्ली हाट से है राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी जिनको इंग्लिश में बोलते हैं ललित कला एकेडमी इज आल्सो वेरी पॉपुलर न्यू डेली में इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था 1954 में अगर पूछ लिया जाए वेलकम किसने किया उद्घाटन तो आपको याद रखना है मौलाना अबुल कलाम ठीक है और सेकेंडरी इसके अध्यक्ष कौन थे डी पी रॉय चौधरी चौधरी एक फेमस मूर्तिकार हैं और इनके सचिव का आपको वारदा उकील नाम याद रखना है वारदा नेक्स्ट जवाहर कला केंद्र नाइनटीन नाइनटी थ्री समथिंग कहाँ पर है जवाहर कला केंद्र इज लोकेटेड इन जयपुर उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान कहाँ है पटना में इनमें से किसका संबंध आर्ट एंड क्राफ्ट से है आर्ट एंड क्राफ्ट दिल्ली हार्ट सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल किस शहर में सेलिब्रेट या फिर आयोजित किया गया था इज लोकेटेड इन गोवा गोवा में आयोजित किया गया विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर है विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन शांति निकेतन पश्चिम बंगाल कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1921 पहले ये 1901 में शांति में सबसे पहले तो अठारह में इनके गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक वीरभूमि लिया 1901 में शांति निकेतन में उसका एस्टेब्लिशमेंट 1919 में इसे कला भवन नाम से इवेलट किया गया और एक्सप्लोर किया गया 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प सोसाइटी इस्टैब्लिशमेंट इस टाइम इज इस नाइनटीन अवनी नाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग्स 1905 1905 में बनाए थे विच टेक्निक्स यूज हियर वॉश टेक्निक अवनी नाथ टैगोर ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ वॉश टेक्निक किससे जाती है तो ये वाटर कलर से की जाती है वॉश टेक्निक एक्रेलिक कलर्स को सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट माना जाता है एक्रेलिक कलर्स जिसकी खोज किए थे संडे और लेटिन ग्रुप ने यूरोप में इंडिया में नाइनटीन फिफ्टी फाइव समथिंग कहा जाता है सतीश गुजराल सतीश गुजराल ये क्या होता है इसकी इंटेंसिटी ये बहुत जल्दी ड्राई सूख जाती हैं जल्दी ड्राई हो जाते हैं क्यों क्योंकि इसमें रेजिन मिक्स्ड होता है एक्रेलिक कलर जो है ये इसकी इंटेंसिटी ट्रांसपेरेंट भी होती है और ओपेक भी होती है मतलब अपारदर्शी और पारदर्शी दोनों कहा जाएगा ठीक है चित्र रचना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सबसे महत्वपूर्ण घटक ए गुड ठीक है ए गुड कॉम्पोजिशन अच्छा रेखांकन तो होना चाहिए रूप और तान सभी निकल कर आए ये सभी होने चाहिए कजली स्याही टेक्निक किस चित्रकला में उपयोग की जाती है कजली स्याही टेक्निक का प्रॉपरली यूज़ किया जाता है किस कला में पटना कलम में आपने पढ़ा भी होगा पटना कलम में एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में शो की जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं सपोज करें मैंने एक यहाँ पर ट्यूबलाइट जला दी है फिर सनलाइट तो सनलाइट का रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ जाता है बहुत दूर तक फैल कर जाता है ना तो इनको क्या कहोगे आप इस रेज जो चारों तरफ से निकल रही हैं इन्हें बोलेंगे आप एक पूंजीय रेखाएँ यहाँ से रोशनी चारों तरफ चारों दिशाओं में जा रही है ये हो गया एक पूंजीय सीधी जिनको वर्टिकल लाइन्स बोलते हैं ये वाली है. आल्सो ऑल्सो इट वर्टिकल छीतीस रेखाएं ये वाली लाइन्स होती हैं ओके okay? अलंकरण के लिए किस प्रकार की रेखा का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है लचीली सरल कठोर या फिर आड़ी जब भी आप किसी फ्लोरल पैटर्न्स या फिर कोई डिजाइनिंग्स को कैप्चर कर रहे होंगे उसमें लचीली रेखाएं होना कंपलसरी है आइकोनोग्राफी आइकोनोग्राफी इज अ वर्ड इज अ टर्म्स इंक्लूडेड द प्रतिमा विज्ञान ये यूजीसी नेट में थ्री टू फोर टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है पिसारो व सिस्ले का संबंध इनमें से किससे था सिसरी एंड सिसरो एंड, एंड पिसारो सिसले एंड पिसारो रेली सॉरी तो मैंने आपको पढ़ाया था इम्प्रेसनिज्म आर्ट मोमेंट इम्प्रेसिजम आर्ट मोमेंट जिसके डायरेक्शंस होते हैं इनका टाइमिंग क्या है तो 1872, 1819 टाइम एग्जैक्ट कहा जाता है इम्प्रेसनिज़म आर्ट मोमेंट इनके फाउंडर कहे जाते हैं क्लाउड मोनेट क्लाउड मोनेट अदर आर्टिस्ट को ये जनक है अदर आर्टिस्ट पूछा जाए तो मैने मोने डिगा सिना ससले पिसारो बर्थ मरेसा ये सभी लोग हैं ये यथार्थवादी कला आंदोलन के मेंबर्स हैं ये दोनों लोग यथार्थ प्रभाववादी प्रभाववादी यथार्थवादी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में really ये कब से कब तक चला था 1850 से लेकर 1900 तक इसके जनक कौन है ग्यूस्टर कॉर्बेट जिनको हिंदी में कहा जाता है गुस्ताव कुर्बे प्रतीकवादी अठारह में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कहाँ पर फ्रांस में ही इनको इंग्लिश में बोलते हैं सिम्बॉलिज्म आर्ट मोमेंट सिम्बॉलिज्म आर्ट मोमेंट क्या होता है सिम्बॉलिज्म आर्ट मोमेंट में एटीन एटी टाइम ड्यूरेशन में ये डेवलप्ड हुआ प्रतीकवाद कला आंदोलन बेसिकली इसमें फोकस्ड किया जाता था सिम्बॉलिक्स टर्म को इनके फे फेमस एंड फाउंडर आर्टिस्ट हैं गुस्टर क्लाइमेट ग्यूस्टर क्लाइमेट ओके एंड द लास्ट रहस्यवाद तो ध्यान रखें हियर द राइट आंसर इज़ ए वेस्टर्न आर्ट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट तो जब वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो मुझे ऐसा लगता है सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ग्वर्निका इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लीटेड इन द टाइम ऑफ 1937 थर्टी सेवन आर्टिस्ट नेम पैब्लो पिकासो तो ऑप्शन में तो आपको पैब्लो पिकासो दिख नहीं रहे होंगे तो यहाँ पे आप करेक्ट करोगे डी को इनमें से सभी सॉरी सॉरी इन में से कोई नहीं है तो पिकासो। गर्निका इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फेमस पेंटिंग डन बाय पेब्लो पिकासो इनके थ्रू बनाई गई हैंनरी मैटिस ये हैं, हैं।, हैं। मार्ट मोमेंट से बिलोंग करते हैं सेज़ान पोस्ट इम्प्रेसिज्म आर्ट मोमेंट के जनक कहे जाते हैं ठीक है पैब्लो पिकासो हैं क्यूबिज्म आर्ट मोमेंट्स हैं क्यूबिज आर्ट मोमेंट चला था 1905 से लेकर 1907 से लेकर 25 तक भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या था भविष्यवाद जिनको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचरिज्म आर्ट मोमेंट फ्यूचर इज स्मार्ट मोमेंट इनको मैंने आपको कैसे याद कराया था कि फ़्यूचर में आपको इटली जाना है या फिर इटली खाना है <laughs> इससे रिलेट कीजिए इनको समक्षावेद इनका मेन सिद्धांत था और अगर पूछ लिया जाए फिलिप्पो टोमैसो मेरिटेनि के बारे में तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए किस दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम की इमेजिनेशंस को कैप्चर किया गया है सत्यम शिवम सुंदरम की इमेजिनेशन को ऑफ कोर्स इंडियन भारतीय राइट वाद के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है हाउ मेनी फॉर्म्स कैप्चर इन द कामसूत्र इंक्लूडेड द वाद इज इट्स जस्ट ऑनली फोर चौसठ कलाओं के बारे में वाद कामसूत्र के लेखक हैं कला सत्य की अनुकृति है इंग्लिश में कहते हैं इस स्टेटमेंट को आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन मीन्स की कला नकल की नकल है ये स्टेटमेंट प्लेटो ने दिया था प्लेटो इज अ ग्रीक फिलोसोफर ग्रीक फिलोसोफर हैं ये इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक रंगों को कैप्चर किया गया विच वन इज द प्राइमरी कलर्स इन इंक्लूडेड ऑप्शन तो आपको पता है रेड येलो एंड ब्लू ये प्राइमरी है पदार्थ के प्राथमिक रंग आर जी बी ये है प्रकाश के प्राथमिक रंग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर इज रेड येलो ब्लू इज द राइट आंसर नेक्स्ट इनमें से कौन सी दृश्य कला के तत्व हैं दृश्य कला में क्या क्या है आपको मैंने अभी बताया था एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में आप क्या करते हो सबसे पहले आप सरफेस को लेते हो जिसको आप इंग्लिश में सरफेस कहेंगे हिंदी में अंतराल कहेंगे फिर इस अंतराल को लेने के बाद इस पर आप ड्राइंग करते हैं राइट तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप ड्राइंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइंस रेखा की मदद से आप ड्राइंग कर रहे हैं ठीक है जब आपने रेखा की मदद मतलब से इस पर ड्राइंग कर लिया फिर उसके बाद आप इसमें कलर्स फिल करोगे मतलब रंग भरोगे सबसे पहले आपने अंतराल लिया फिर उसमें रेखा से कुछ स्केचिंग्स की फिर जब आपको उनमें कलर्स करना है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी आपको कलर्स यहाँ ग्रीन दे दीजिए स्काई ब्लू कर दें वाटर ब्लू कर दें तो इस तरह से कलर्स तो रेखा हो गया स्पेस लिया लाइन्स ड्राॅइंग की कलर्स फिल किए फिर उसके बाद एक आपको लाइन के बाद एक शेप निकल कर आया था शेप में ही तो कलर्स फ़िल किया आपने फिर कलर्स फिल करने के बाद आपको टोनल वैल्यू दिखाई दी लाइट और मिडल और डार्क टोन फिर लास्ट में आपको टेक्सचर शो होता है तो ये पेंटिंग्स करने का एक एलिमेंट्स एक तरीका आपको बताता है फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट का एलिमेंट्स ऑफ आर्ट तो इसमें रंग भी हैं रूप भी हैं रेखा भी है आकार भी हैं स्थान भी हैं बनावट भी है सो ऑल ऑफ दब उपयुक्त में से सभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तत्व के सिद्धांत कितने होते हैं तत्व के सिद्धांत छह होते हैं रंग रूप रेखा आकार स्थान और बनावट संयोजन के सिद्धांत कितने होते हैं तो संयोजन के भी सिद्धांत छह होते हैं कौन कौन से यूनिटी हार्मनी बैलेंस एम्फेसिस मतलब सहयोग सामंजस्य संतुलन प्रभाविता लय और प्रमाण ये सभी छः होते हैं अगर आपसे षडांग एग्जामिनर पूछ लें षडांग कि कितने होते हैं तो ये भी छ होते हैं रूपा भेदा प्रमाणानी भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग चित्री षडांग का नेक्स्ट इनमें से कौन सी दृश्य कला के सिद्धांत नहीं है दृश्य कला जिसको आप विजुलाइजेशन पावर अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं आप बैलेंस को देख सकते हैं लय और गति को देख सकते हैं एकता और विविधता को या फिर हाव और भाव को संतुलन को देखा जा सकता है पेंटिंग में मोमेंट गति को भी देखा जा सकता है एकता और विविधता अनेकता को भी देख सकते हैं बट हाव भाव थोड़ी नहीं देख सकते हैं हाव भाव तो एक, एक एक्सप्रेशन होता है ये एक्सप्रेशन से फील कर सकते हैं ना कि उनका एक्सप्रेशन कैसा था इनका कैसा था सो डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कला में प्रमाण का क्या तात्पर्य होता है प्रमाण एक्चुअल मेजरमेंट बताता है फॉर एग्जाम्पल आप किसी का कोई फिगर से ड्रॉ कर रहे हैं कुछ भी तो आपको प्रमाण एक मेजरमेंट बता रहा है कि अच्छा आपको इस तरह से बैलेंस्ड करना है ऐसे बनाना है सही अनुपात बताता है एक राइट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन। निम्नलिखित में से कौन से षडंग के हिस्से नहीं है रूपाभेदा प्रमाणा निभाव वर्णिका भंग चित्र रंग of of ये आपके तत्वों के सिद्धांत कहे जाएंगे तत्वों के सिद्धांत टैंपरा किससे संबंधित है टेम्परा चित्रकला मूर्तिकला अप्लाइड आर्ट्स या फिर ग्राफिक्स टेम्परा आपका पेंटिंग से रिलेटेड है एक बाउल लेते हैं इस बाउल में खनिज रंग मिनरल्स एग और ग्लू ग्लेसिन सबको अच्छे से मिक्स करके बाइंडिंग बनाते हैं तो आपका कलर्स बन के रेडी हो जाता है फिर आप इजली सरफेस पर अप्लाई कर सकते हैं अलंकरण में किस प्रकार के पेपर्स लेने चाहिए आपको याद होगा स्टार्टिंग टाइम ड्यूरेशन में अलेवेथ ट्वेल्थ में आलेखन बनाने के लिए आता था एग्जाम में आलेखन तो एक मार्केट में बटर पेपर या फिर ट्रेसिंग पेपर नाम का एक चीज़ मिलता था एक पेपर तो ट्रेसिंग पेपर से आप क्या कर सकते थे डिज़ाइनिंग को ट्रेस्ड कर सकते थे या फिर ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से आप इजली बेडशीट वगैरह पे भी ट्रेस कर सकते हैं तो ये अलंकरण का सबसे मेन पेपर होता है ट्रेसिंग पेपर क्योंकि पुनरुत्थान मतलब फिर से उनको रिप्रेजेंट कर देना विद हेल्प ऑफ ड्रेसिंग पेपर छापा कला किस कला के अंतर्गत आता है प्रिंट मेकिंग इज द पार्ट ऑफ वन नृत्य कला के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आ सकता छापा कला एक पल के लिए उपयोगी कला कह सकते हैं क्योंकि ये भी एक यूजफुल आर्ट है यूजफुल आर्ट है और दृश्य कला भी होना चाहिए बट एग्जामिनर ने इनको डी करेक्ट मानना है वैसे तो दृश्य कला होना चाहिए छापा कला कितने प्रकार के होते हैं तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि था कि चार प्रकार के होते हैं बट ऑप्शन में तो फोर है नहीं तो नियर अबाउट आपको तो सिलेक्ट करना ही होगा तो दे आर जस्ट ऑनली थ्री तीन है विच वन वैसे तो रिलीफ इंटैग्लियो प्लानोग्राफी और एक्चुअल में होते कितने हैं तो होते फोर हैं बट ऑप्शन में नियर अबाउट समथिंग आपको थ्री ही करेक्ट करना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा से एक कम होगा वही करोगे आप अगला छापा कला की जो बेसिकली विधियाँ प्रोसेस होती हैं वो कितनी होती हैं रिलीफ मेथड्स इन एंड प्लानोग्राफी रिलीफ के अंतर्गत आ जाता है लिनो कट वुड कट और स्क्रैपर बोर्ड स्क्रैपर बोर्ड अभी रिसेंटली थोड़े ज़्यादा पुराना नहीं है स्क्रैपर बोर्ड और इन टैगलों के अंदर का प्लेटिंग ग्रेबिंग ड्राई पॉइंट एचिंग एक्वाटिंट मेजोटिन एंड विस्कोसिटी और प्लानोग्राफी के अंतर्गत आ जाएगा लिथोग्राफी एंड ओलियोग्राफी सो ऑल ऑफ राइट आंसर जब आप ग्रीटिंग कार्ड्स या फिर निमंत्रण कार्ड या फिर बिजनेस कार्ड्स के प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं तो कौन से इंक थर्मोग्राफी आपको पता है ग्रीटिंग कार्ड्स या फिर इनविटेशन कार्ड घर पर आता है तो गणेश जी बने हुए होते हैं आपने देखा होगा तो गणेश जी इस तरह करके बनाए जाते हैं उनमें थोड़ी सी स्पार्कलिंग लगाई जाती हैं तो वो थर्मोग्राफी की हेल्प से और फ्लैक्जोग्राफी क्या होता है तो आप पैकेजिंग देखें पैकेजिंग जैसे मिल्क का पैकेट हो गया या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट पैकेट तो मिल्क के पैकेट पे क्या सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होता है तो वो जो इंक यूज़ मिल्क का जो पैकेट होता है वो सॉफ्ट होता है थोड़ी ग्लॉसरी टाइप में तो उसके पैकेट्स में जो प्रिंटिंग की जाती है वो इंक कौन से यूज़ किए जाते हैं फ्लैक्जोग्राफ़ी इंक यूज़ करते हैं और थर्मोग्राफी इंक यूज़ किया जाता है ग्रीटिंग कार्ड्स बिजनेस विजिटिंग कार्ड्स एक्सेट्रा में साइज पेपर का वास्तविक नाप साइज पेपर का वास्तविक नाप तो आपने पढ़ा है फोर साइज का टू टेन इंटू टू नाइनटी सेवन ओके छापा का लगे किस टेक्निक में आप सिल्क का प्रॉपर यूज करते हैं सिल्क कपड़े का सिल्क कपड़े का यूज किया जाता है सेरीग्राफी में भारत में सर्वप्रथम सेलिग्राफिक एनिमेशन के जी सुब्रमण्यम ने किया था इनमें से किसका संबंध छापा कला प्रिंट मेकिंग से था राजा रवि वर्मा का था श्याम शर्मा का था सोमनाथ होर का था <laughs> तीनों का था तो यहाँ राइट आंसर आपको कर देना होगा डी ऑल ऑफ दी, दी एबव राजा रवि वर्मा ने इंडिया में पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन लगाए थे कब लगाए थे 1894 में कौन सी प्रिंटिंग रेडी किए थे बर्थ ऑफ शाकुंतला फोटोग्राफी किस कला के लिए सबसे जरूरी होता है फोटोग्राफी आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है सिनेमा मूर्ति कला ये कला, या चित्रकला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोटोग्राफी सिनेमा मूवीज़ एडवर्टाइजमेंट वालों के लिए डिजिटल फोटोग्राफी का क्रोनोलॉजिकल ये सीक्वेंस ये आपको पता है दो हज़ार सोलह में पूछा गया क्वेश्चन है यूजीसी नेट में यहाँ पे रिपीटेड हुआ है सबसे पहले आपको क्या करना होता है शूटिंग करना होता है ठीक शूटिंग करने के बाद आप क्या करोगे डाउनलोडिंग करोगे फिर उसमें एडिटिंग करोगे लास्ट में एंड में आप प्रिंटिंग निकालोगे राइट आंसर इज़ सी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ल्ड फ़ोटोग्राफी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है नाइन ऑफ अगस्त, नाइनटीन ऑफ अगस्त, सॉरी नाइनटीन ऑफ अगस्त का संबंध फोटोग्राफी से नहीं है तो मेंशन किया गया है कि फ़ोटोग्राफी से किसका संबंध नहीं है ऑप्शन में देखें कि एक फ़ोटोग्राफी में फिल्म शटर और लेंस का यूज़ होता है बट स्कल्पचर में सांचा का यूज किए जाते हैं ना तो यहाँ पर सांचा नहीं होगा ओके जीव जंतुओं की फोटोग्राफी को क्या कहा जाता है एनिमल्स फोटोग्राफी को कहते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी फोटोग्राफी के संदर्भ में एच डी का क्या अर्थ होता है एच डी मीन्स हाई डेफिनेशन कहते हैं उनका एच डी क्वालिटी कैसा है हाई डिफिनेशन कैसे हैं, राइट समकालीन कला किसे कहते हैं वट इज़ कंटेम्प्रेरी आर्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट मीन्स प्रजेंट ऑफ़ आर्ट मेरे बी एफ एग्जाम में पूछा गया था वट इज़ द कंटेम्प्रेरी आर्ट दैट मीन्स कंटेम्प्रेरी आर्ट इज द प्रजेंट ऑफ आर्ट तो बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्थ से लेकर वर्तमान समय की कला <laughs> ऐसे से क्वेश्चन देख के मुझे याद आ गया ये मेरे 2014 के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है तो याद रखिएगा समकालीन कला वो कलाएं होती हैं जो वर्तमान समय के कलाकार को बीसवीं शताब्दी के कलाकार को इंक्लूडेड करती है मीन्स प्रेजेंट ऑफ आर्ट बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान तक समकालीन कला के बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं विशेषताएं है। वर्तमान समय में प्रतिनिधित्व दर्शक कलाकार से जुड़ाव महसूस करना आधुनिक कला का प्रयोग सो so ऑल ऑफ दी इनमें से सभी को करेक्ट माना जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी समकालीन कला है सभी को इंक्लूडेड किया जाएगा एंड नेक्स्ट वन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ग्रुप का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था 1947, 48 something, जिसके फाउंडर कहे जाते हैं एफ एन सोजा और जनक है एफ एन सोजा एंड इज दैट अगर अदर आर्टिस्ट पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है रजा आरा बाकरे हुसैन बाकरे जो थे ये स्कल्पचर आर्टिस्ट थे मूर्तिकार इनमें से समकालीन भारतीय चित्रकार कौन थे विच वन इज कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हुसैन भी थे बी सी सान्याल भी के माधव हुसैन राइट आंसर इज डे के माधव मेनन भी सांथाल फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर डन बाई विच आर्टिस्ट राम किंकर बैज इज स्कल्पचर डन इन द टाइम ऑफ़ नाइनटीन थर्टी एट विच मटेरियल यूज इन द सांथाल फैमिली रामकिंकर बैज ने बनाए थे सीमेंट और कॉन्क्रीट में सीमेंट एंड कॉन्क्रीट प्रेजेंटली कहां पर है सांथाल फैमिली है शांति निकेतन में एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जाता है कि इसमें टोटल कितने फिगर्स को ऐड किया गया है तो वैसे तो फोर हैं बट डॉग को इंक्लूड करके फाइव हो जाता है भारतीय कलाओं की विशेषताएं कौन सी हैं इंडियन आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको संस्कृति की संवाहिका को भी देखने को मिलेगा सौंदर्या अनुभूति को धार्मिकता और so, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएंगे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मूर्तिकला की शैली है भारतीय मूर्तिकला की शैली आपको बतानी है मथुरा शैली भी है अमरावती भी है और गांधारा ऑल ऑफ दिन इनमें से सभी भारतीय मूर्तिकला की शैलियां हैं नेक्स्ट भारतीय चित्रकला के इतिहास में जोगीमारा गुफा का जिक्र होता है यह गुफा कहाँ पर स्टेबल है जोगीमारा केव्स इज इंक्लूडेड द स्पेस ऑफ छत्तीसगढ़ सरगुजा रियासत बिकम 2001 इन इंक्लूडेड छत्तीसगढ़ गीत गोविंद चित्र रिप्रेजेंट किया गया था गीत गोविंद जयदेव की है और ये वैसे तो देखिए बसौली शैली में बनाई गई थी बसौली शैली में कलाकार का नाम था मानको बट ऑप्शन में तो आपके बसौली है नहीं तो नियर अबाउट आपको सही करना होगा तो कांगड़ा सही हो जाएगा बसौली एंड कांगड़ा द द बोथ इज पार्ट ऑफ पहाड़ी स्कूल पहाड़ी स्कूल के पार्ट है बसौली सबसे प्राचीन है और कांगड़ा सबसे सर्वश्रेष्ठ मधुबनी शैली का जन्म किस स्थान पर हुआ था मधुबनी जितवनपुर बिहार में मुगल शैली की नींव किसने रखी थी मुगल शैली की नींव अगर आर्ट के पर्पज से देखा जाए तो अकबर ने और अगर हिस्ट्री के पर्पज से देखा जाए तो भाई पहली बार बाबर ने 1526 सौ ईस्वी में इब्राहिम लोधी से पानीपत का युद्ध जीत कर नींव रखते हैं लेकिन यहाँ पे आर्ट के पर्पज से करेक्ट कराया जाता है अकबर भित्ति चित्रण का आरंभ माना जाता है भित्ति चित्रण जो होता है ये वॉल पे किया जाता है इसकी स्टार्टिंग जो रही थी अजंता केव में एम्फोरा पोट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एम्फोरा पोट्री के बारे में तो आपने काफ़ी बार पढ़ा है ये ग्रीक की फेमस पोट्री कही जाते हैं। चीनी चित्रकला के षडंग किसने लिखे थे शी हो ठीक है और हमारे इंडिया का षडंग यशोधर पंडित ने जयमंगला नामक ग्रंथ में प्रसिद्ध चित्र ग्वर्णिका किसकी कृति है ना तो लियनार्डो दिवसी ने ना ही रैमरा ना ही टेशियन अभी जस्ट आपने सॉल्व किया है ये किसकी थी पिकासो की रही थी ना कब बनाई गई है 1937 में ऑयल ऑन कैनवास पे मोनोक्रोमेटिक वे में इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा वर्जिन ऑफ द रॉक्स जिन्हें हिंदी में कहते हैं सेलखंडो की राजकुमारी दिस पेंटिंग डन बाय लियोनार्डो दिनसी गिरजाघर के दीवार पर फ्रेस्को शैली का चित्रांकन किसने किया था वो भी फ्रेस्को टिकनीक में जियोत्तो जियोत्तो गौथिक कलाकार अंतिम और के प्रथम कलाकार हैं गौथिक कला का उद्भव किस देश में हुआ था गौथिक कला की स्टार्टिंग कहाँ हुई है तो देखिए सबसे पहली बार ये फ्रांस में हुआ था फिर टाइम टू टाइम ये इवेलियट होता गया दूरदर्शन के लोगों किसके द्वारा डिजाइन किए जाते हैं एन आई डी नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइनिंग अहमदाबाद दूरदर्शन के लोगों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जिनको कहा जाता है व्यवहारिक कला मुख्य इनका पर्पज क्या है व्यवहारिक कला जिनको इंग्लिश में बोलते हैं अप्लाइड आर्ट अप्लाइड आर्ट का मेन पर्पज क्या था मेन पर्पज था दैनिक जीवन में उपयोग हेतु कलात्मक निर्मित इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग्स के अंतर्गत आता है इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग्स के अंतर्गत आते हैं कार निर्माण मोबाइल और टेलीफोन ऑल ऑफ दी एबव इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्रीज कंपनीज बनाती हैं निम्न में से कौन से ग्राफिक विधा नहीं है वुड कट इज द पार्ट ऑफ ग्राफिक ये आपका रिलीफ का पार्ट है ठीक है एचिंग इज द पार्ट ऑफ इंटैगलियो क्या आपका इंटेगलियो का पार्ट कहा जाएगा इनग्रेविंग इज द पार्ट ऑफ ऑसोर द रिलीफ ओलिन ग्लास ये आपके प्रिंट मेकिंग में ऐसा कोई टर्म्स देखने को नहीं मिला होगा आपको व्यवहारिक आप कला का मेन पर्पज़ क्या है वट इज द मेन पर्पज ऑफ अप्लाइड आर्ट अप्लाइड आर्ट फर्नीचर्स बनाए जाते हैं ज्वेलरीज एंड पोट्री ऑल ऑफ दिन में से सभी को करेक्ट करना होगा व्यवहारिक कला को इंग्लिश में आप क्या कहोगे कोर्स अप्लाइड आर्ट कहेंगे फाइन आर्ट्स मीन्स ललित कला विजुअल आर्ट मीन्स दृश्य कला परफॉर्मिंग आर्ट्स मीन्स नृत्य कला व्यवहारिक कला का मेन पर्पस क्या होता है इनका मेन पर्पस होता है एक आधुनिक कला अप्लाइड आर्ट इज ए मॉडर्न एंड आल्सो कंटेम्प्ररी शिक्षण है क्या एक कला एक आश्रित क्रिया दो तरफा क्रिया या फिर ए बी सभी ए एंड सी तो देखिए व्हाट इज़ द आर्ट शिक्षण एजुकेशन जो है ये आर्ट भी है और आश्रित की क्रिया भी है तो दोनों तरफा क्रिया कहा जाएगा ए एंड सी बहुत सो so फाइनली आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ये एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपके टोटल हंड्रेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में मैं पेपर सेकंड जो आपका फिफ्टी क्वेश्चन है ये भी शेयर करूँगी अगर आप इस बार बीपीएससी पी एस की प्रपरेशन कर रहे हैं तो मेरा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो गया अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं क्रैश कोर्स वन मंथ में कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है तो आपका स्पीडली रिविज़न हो जाने वाला है बाकी एवरीडे आपको लाइव क्लासेज टू पी पर मेरी देखने को मिलेंगी दोपहर दो, दो बजे लाइव क्लासेस हुआ करेंगी इन लाइव क्लासेस में आप एवरी डेज अपने सारे डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन होगा अगर आप एस टेट की प्रपरेशन कर रहे हैं तो एस का सिलेबस और बीपीएससी ये दोनों सेम है जब आप एस क्वालीफाई कर लेंगे देन आप बी फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो बहुत ईजिली जो भी स्टूडेंट बी की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो आराम से स्टेट निकाल सकते हैं एस्टेट निकालने के बाद आप बीपीएससी में सिलेक्शन लीजिए